नमस्कार। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द मोर फोकस विल बी ऑन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? सी, to identify or to find out the answer of this particular topic, first we need to go two questions. दो questions के answer हमें ढूंढने हैं। What is communication? What is communication? And when it was started. To find out the answers of these two questions, देखिए एक्चुअली कम्युनिकेशन होगा क्या? अगर लेमैन की भाषा में बात करें तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन होता क्या? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और आपका स्टार्ट कब हुआ था? When it was started? From the existence of, human being, जब से human being पैदा हुए हैं या existence में आए हैं तब से ही communication start हो गया था, as per my opinion. Because if you will take day-to-day life example, the deaf and dumb people are also used to communicate with each other by using sign language. That is also a type of communication. और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा पुरानी movies में क्या होता था, एक राजा होता था, उसकी एक army होती थी और उसका कुछ kingdom होता था, साम्राज्य होता था। अगर दूसरा राज्य है, अगर दोनों में fight होती है तो क्या होता है, अगर एक जीतता है तो उसके fort के ऊपर भी दूसरा color का flag चला जाएगा and flag will represents the identity of that particular kingdom. ऐसा था या नहीं था? तो communication exactly कब start हुआ था? Nobody knows. But particularly here, our focus will be on electrical communication. Electrical कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कम्युनिकेशन आपका वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होगा, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जो भी कम्युनिकेशन वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो व्हेन इट वाज स्टार्टेड in some books, standard books you may find 36 and in some standard books you may find 44, because 1836 telegraph was or Morse code was invented and 1844 first time it was implemented. That is, one scientist was there and he invented the exchange of information with the help of current or voltage, that communication named as telegraph. Telegraph mein hota kya tha? What was there in telegraph? Actually, it's a symbolical language. It's a, just like aapne dekha hoga, pehle ke gharon mein ek doorbell hoti thi, जो मैग्नेटिक टाइप डोरबेल होती थी, जिसको आप प्रेस करके रखेंगे जब तक वो साउंड देगी, जैसे आप हाथ हटाएंगे स्विच से इट विल स्टॉप। तो कुछ उसी टाइप का अरेंजमेंट था इसमें। आपका हर लेटर के लिए ए बी सी अप टू जेड एंड 0 1 एंड अप टू 9, हर लेटर के लिए, बिकॉज इट्स ए साउंड बेस, हर लेटर के लिए आपका कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे। दैट कॉम्बिनेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ डॉट एंड डैश।
डॉट इज ए साउंड फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन, डैश इज ए साउंड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन. एंड मोस ही मेड ए चार्ट जिसके अंदर क्या था, ए टू जेड तक एंड जीरो टू नाइन तक आपके कुछ डॉट एंड डैश के कुछ कॉम्बिनेशन थे. तो जो डॉट एंड डैश के जो कॉम्बिनेशन थे उनकी हेल्प से हम वोल्टेज और करंट को प्रोपोर्शनलिटी भेजते थे और रिसीवर साइड में उनको रिसीव करते थे. तो था क्या एग्जैक्टली, इट वॉज सम कॉम्युनिकेशन बट इट यूजेज सम ट्रेनिंग. और इट रिक्वायर्स, नॉट यूजेज, इट रिक्वायर्स सम ट्रेनिंग. बिकॉज आफ्टर ट्रेनिंग ओनली दे कैन आइडेंटिफाई, ही और सी कैन आइडेंटिफाई वेदर विच लेटर इज कमिंग ए बी सी डी और विच नंबर इज कमिंग 0 to 9. आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड 1876 वन साइंटिस्ट वॉज देयर, ग्राहम बेल. ही इन्वेंटेड जो आप लोग सब आज लेके टहलते हैं, टेलीफोन. वट ही डिड, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसमिटेड वॉइस सिग्नल विथ द हेल्प ऑफ करंट और वोल्टेज. दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, हाउ और वेन इट वॉज स्टार्टेड. पर्टिकुलरली हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. मेनली कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ था वो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसका हमें किसी को कुछ नहीं पता. आई थिंक द बेस्ट आंसर इज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग ऑन अर्थ आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था. तो अब हम बात करेंगे, जितनी भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की. नाउ लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम, द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन इज सिस्टम इज शोन हेयर. वन इज सोर्स फ्रॉम वेयर योर सिग्नल इज गोइंग टू जर्नेट, उसके बाद इट विल गो टू ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर. इफ यू विल टेक एग्जाम्पल ऑफ योर मोबाइल फोन, देन इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होगा उसके अंदर, योर माइक, जो क्या करेगा आपके साउंड एनर्जी को जो आप बोल रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. देन यू हैव ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है उसको इस काबिल बनाएगा कि वो ट्रांसमिट किया जा सके. इट मे बी गोइंग टू कन्वर्ट योर सिग्नल इनटू इन सच ए वे, और इट विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इन सच ए वे दैट इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देन आपका चैनल, चैनल क्या होगा जिसके थ्रू आपका सिग्नल चलेगा. उसके बाद क्या होगा आपका रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा, जो काम ट्रांसमीटर ने किया था उससे उल्टा काम रिसीवर करेगा. ट्रांसमीटर ने क्या किया था, उसको ट्रांसमिट करने लायक बनाया था, ट्रेवल करने लायक बनाया था, यहाँ पे उसको जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई हैं या जो भी एक्स्ट्रा हमने किया है उसको वापस निकाल के इन आउटपुट ट्रांसड्यूसर में देगा. अगर आप बात करेंगे आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होगा आपके एग्जाम्पल के लिए, स्पीकर, जो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड सिग्नल में, वॉइस सिग्नल में. देन डेस्टिनेशन हेयर सोर्स. वन इंपॉर्टेंट ब्लॉक यू विल फाइंड हेयर दैट इज नथिंग बट नॉइस. नॉइस होता क्या है, एनी अनवांटेड एनर्जी. कोई भी अनवांटेड एनर्जी आपकी नॉइस कहलाती है. अब नॉइस होगी क्या, अब फॉर एग्जांपल जब आप बात कर रहे हैं मान लीजिए, एनी अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड नॉइस. अब जैसे आप मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं,
अगर मोबाइल फोन आपका कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो एफएम के सिग्नल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉइस होंगे। जब आप एफएम के सिग्नल कर रहे हैं और मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, नॉइस होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है चैनल, इट मे बी वायर्ड और इट मे बी वायरलेस। होता क्या है चैनल, चैनल आपका ऐसा माध्यम होता है जिसकी हेल्प से आप सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं, तो ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी होता है। टूडेज वर्ल्ड वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम वायर्ड टू वायरलेस, हम लोग वायरलेस की तरफ ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। नाउ इन ट्रांसमीटर साइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम बात करेंगे इन सेम वीडियो, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, आपके सिग्नल को इस लायक बनाता है कि वो ट्रांसमिट किया जा सके, और रिसीवर साइड में इससे अपोजिट प्रोसेस होगा, डीमॉड्यूलेशन। तो हम अब बात करेंगे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गो फ्रॉम ए प्लेस ए टू बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज 250 किलोमीटर्स। जब इसमें 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए अगर डिस्टेंस 250 किलोमीटर्स है और मैं मेरे से बोला जाए कि आप जाइए और बाय वॉक जाइए, क्या होगा, हो सकता है मैं रास्ते में कहीं रुक जाऊं, या फिर मैं हो सकता है किसी रिलेटिव के घर चला जाऊं, या हो सकता है मैं 100 किलोमीटर जाने के बाद मैं कहूं मैं जा ही नहीं सकता। तो सेम कहानी आपकी सिग्नल के साथ भी होती है। तो सिग्नल जब आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है और डिस्टेंस बिटवीन दोज टू प्लेसेज आर वेरी फार अवे, तो योर सिग्नल इज नॉट एबल टू ट्रेवल। तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं अभी इनको बोलता हूं कि आप पैदल ना जाके यू कैन टेक ए बस, देन मे बी इट विल टेक 5 to 6 आवर्स एंड आई मे रीच एट पॉइंट बी। अनदर थिंग इज, इफ समथिंग हैपन दैट ऑल दिस थिंग्स, कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, बस के साथ होगा। वर्स्ट केस को छोड़ दीजिए, जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और पूरी बस ही खत्म हो जाए, मैं भी मर जाऊं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर होगा तो सिर्फ बस को ही लगेगी, पंचर होगी तो बस पंचर होगी, जो भी होगा बस को होगा, मैं उसमें सेफ रहूंगा तो मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाऊंगा। मॉड्यूलेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ मिला के ट्रांसमिट करते हैं। जब आपकी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी फार, जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, उस केस में हम क्या करते हैं, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ मिलाते हैं। तो जो ये सिग्नल होता है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और क्योंकि ये सिग्नल इसको हेल्प करता है ले जाने के लिए, तो इसको कहते हैं हम कैरियर सिग्नल। और जो फाइनल इन दोनों से मिलके बना बनता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हम बात कर रहे थे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझना चाहें, लव लेटर लिखें कभी, जब आपके लवर ऊपर हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, आप नीचे हो,
आपको कुछ कहना हो, माँ बाप मना कर रहे हो, तो क्या कहेंगे, क्या करते थे? पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, अब बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो मोबाइल फोन्स और बहुत कुछ फैसिलिटीज हैं, तो करते क्या थे हम लोग, क्या करते थे? एक चिट बनाते थे, एक पेपर पे लिखते थे जो हमें कहना है, उसको पत्थर के साथ करते थे और फेंक देते थे। अगर हम डायरेक्ट पेपर को फेंकते ऊपर तो क्या होता, इट विल नॉट एबल टू गो अप टू फर्स्ट फ्लोर, बट अगर हम पत्थर के साथ मिला के उसको फेंकते हैं तो पहुंच जाता है वो। तो ये क्या है, पत्थर यहाँ पे कैरियर है, मैसेज आपका जो पेपर में आपने लिखा है, तो जो बाद में जो दोनों कंबाइन करके जो बनता है वो आपका कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या होगा मॉड्यूलेशन? नाउ वी विल टॉक इन साइंटिफिक लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज। मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव और हाई फ्रीक्वेंसी वेव वेव इज चेंज्ड इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन? फर्स्ट वन इज एफिशिएंट रेडिएशन, एफिशिएंट रेडिएशन। व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंट रेडिएशन? एफिशिएंट रेडिएशन होता क्या है? एफिशिएंट रेडिएशन इन रेडियो कम्युनिकेशन, इन रेडियो कम्युनिकेशन वी आर अवेयर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड टू ट्रांसमिट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी रिक्वायर ए रेडिएटिंग एलिमेंट, एंड दैट रेडिएटिंग एलिमेंट इज नथिंग बट एंटीना। एंटीना इज ए रेडिएटिंग एलिमेंट विच हेल्प्स टू रेडिएट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस। देन एंड द हाइट ऑफ द एंटीना, हाइट ऑफ द एंटीना इज प्रपोर्शनल टू लैमडा बाई फोर, एंड लैमडा इज गिवन बाई सी बाई एफ। फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू 10 kHz, देन योर लैमडा विल बी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 10 × 10�³, देन वट विल बी देयर, एंड 4 3 × 10⁴, और इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एंटीना हाइट देन वट विल बी देयर 3 × 10⁴ डिवाइड बाई 4, देन इट विल कम 7,500 meter और 7.5 किलोमीटर। डू यू थिंक दिस मच ऑफ हाइट ऑफ एंटीना, 7.5 किलोमीटर ऑफ हाइट ऑफ एंटीना इज पॉसिबल? एंटीना एंड इफ फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू 10 MHz, देन योर लैम्डा विल बी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10 × 10⁶, एंड इट विल कम 30, एंड हाइट ऑफ एंटीना इज 30/4, देन इट विल कम समथिंग 7.5 मीटर। दिस हाइट ऑफ एंटीना इज पॉसिबल, बट 7.5 किलोमीटर हाइट ऑफ एंटीना इज
नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस, वी आर गोइंग टू सुपर इम्पोज ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड योर कैरियर. तो हम हाई फ्रीक्वेंसी लेते क्यों हैं, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन. फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन क्या होता है आपका, इट अवॉइड्स इंटरफेरेंस. इट अवॉइड इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस होता क्या है या क्यों होता है, देखिए जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम एक कैरियर फ्रीक्वेंसी को या एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में मिक्स करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, अगर सेम फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज होगा क्या, आपका जो भी आप बात करते हो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो भी सिग्नल्स होते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इस रेंज में वेरी करते हैं. अगर इस रेंज में सारे सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करने लग जाएं तो क्या होगा, दो सिग्नल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और हो सकता है जै इंटरफेरेंस में भी कंस्ट्रक्टिव और इट में भी डिस्ट्रक्टिव. इफ इट इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देन नथिंग विल बी हैपन, बट इफ इट इज ए डिस्ट्रक्टिव मीन्स दोनों में इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे सिग्नल को एक ही चैनल के से भेज सकते हैं, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. तो ये भी आपका मॉड्यूलेशन के बाद ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि क्या होता है आप मॉड्यूलेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैरियर्स हम यूज करेंगे, तो मल्टीप्लेक्सिंग भी आपकी मॉड्यूलेशन के बाद ही पॉसिबल होगी. जो आपको एक प्ले, जो आपको सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजने के लिए आपको हेल्प करेगा. और थर्ड पॉइंट इज योर रिडक्शन ऑफ नॉइस. रिडक्शन ऑफ नॉइस, देखिए अगर हम रिडक्शन ऑफ नॉइस की बात करें तो टोटल रिडक्शन ऑफ नॉइस इज नॉट पॉसिबल. टोटल रिडक्शन ऑफ नॉइस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. लेकिन कुछ मॉड्यूलेशन स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको 100% नहीं कह सकते लेकिन 80-90% तक नॉइस को रिड्यूस कर देती हैं, जो इम्यून हो जाती हैं नॉइस के लिए. आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.